मैं डॉक्टर अनीता यादव, सह आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम रीतिकाल के अंतर्गत रीति से आशय तथा रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा का अंतर जानते हुए उनके प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः संवत 1700 से 1900 तक के काल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्तिकाल के बाद तत्कालीन सामाजिक प्रभाव के कारण हिंदी कवियों ने कलात्मक पक्ष को अपनाया और कवित्व के साथ साथ आचारित्व रूप की प्रतिष्ठा की। संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों की समृद्ध परंपरा थी, जिसे रीतिकालीन कवियों ने स्वीकार किया। लेकिन इस काल के अधिकतर कवियों को दरबारी जीवन मिला था, इस कारण उनकी कविताओं में श्रृंगारिकता का समावेश होना स्वाभाविक ही था। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशिष्ट पद रचना के अर्थ में हुआ है, परंतु हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काव्यांगों के लक्षण उदाहरण के साथ ललित ललाम छंद सागर साहित्य सार लक्षण श्रृंगार आदि ग्रंथों की रचना हुई। इसके विवेचन को रीति माना गया है। अतः हिंदी के रीति काव्य का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। लक्षणों के साथ अथवा अकेले उनके आधार पर लिखा गया काव्य। रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण अपने युग के प्रवृत्तियों को लेकर इस काल के कवियों ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, नीति, वीरता आदि विभिन्न भावों पर कविता रचना की, परंतु प्रधानता इस काल में काव्यांग निरूपण की ही रही है। रीतिकाल में मुख्यतः काव्य की रचना हुई है। उनको तीन काव्यधाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। लेकिन यहाँ पर हम रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में जानेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा, इस काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति निरूपक काव्य लिखे, अर्थात जिन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, गुण आदि काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण अपने काव्य में किया। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय विषयों का सउदाहरण प्रतिपादन करना था। इस उद्देश्य के लिए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आचार्यों में कुछ ने मम्मट के काव्य शास्त्र का अनुसरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की, कुछ ने रसवादी रीति ग्रंथ लिखे और कुछ ने भामा एवं दंडी आदि के अनुसरण पर अलंकारवादी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इस परंपरा के रचनाकारों ने आचार्य रूप में काव्यांगों के लक्षण प्रस्तुत किए तो उदाहरण रूप में स्वतंत्र या मुक्तक काव्य लिखकर अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया। इस कारण रीतिबद्ध कवियों ने काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के साथ श्रृंगार परक रचनाएं अधिकतर लिखी। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख रचनाकारों में केशव दास को सर्वप्रथम माना जाता है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तीन रीति ग्रंथ लिखे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। इनमें केशव ने रस, छंद, अलंकार, गुण दोष, नायिका भेद आदि का विस्तृत विवेचन किया है। रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य आचार्य कवि हैं कृपाराम,
चिंतामणि, सेनापति, श्रीपति, देव, रसिक, गोविंद, मतिराम, भिखारीदास, पद्माकर, भूपति, शंभुनाथ, मिश्र आदि। कृपाराम ने हित तरंगणी ग्रंथ की रचना की, जिसमें नायिका भेद का विवेचन हुआ। चिंतामणि ने काव्य विवेक और काव्यकुल कल्पतरु नामक रीति ग्रंथ लिखे। देव ने भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका आदि लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें काव्यांगों का विस्तार से विवेचन किया गया। मतिराम ने काव्यांग विवेचन की दृष्टि से रसराज, ललित ललाम, तो सेनापति का जो एकमात्र लक्षण ग्रंथ उपलब्ध होता है वह काव्य कल्पद्रुम। पद्माकर ने काव्यांग विवेचन की दृष्टि से पद्माभरण, राम रसायन, जगत विनोद आदि ग्रंथों की रचना की। भूपति और शंभुनाथ मिश्र ने अलंकार ग्रंथों का निर्माण किया, तो मतिराम, भिखारीदास आदि ने काव्य लक्षण के वैविध्य का विमोचन किया। इस धारा के अन्य रचनाकारों ने भी इसी तरह की रचनाएं प्रस्तुत की। रीति मुक्त काव्य धारा। इस धारा के कवियों ने प्राय सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना की। वस्तुतः इस धारा के रीतिकालीन कवि स्वच्छंदतावादी थे। उन्होंने अपने काव्य में नायिका भेद, अभिसार, सपत्नियों की ईर्ष्या, कलह, रस विवेचन, गुण दोष निरूपण आदि का वर्णन नहीं किया। वे मनोगत आवेश के प्रभाव में कविता रचते थे। इस कारण इनके मुक्तक काव्य भाव प्रधान, आत्म प्रधान तथा व्यक्ति परक हैं, और उनमें मानस संसर्ग की रमणीयता एवं हृदयगत अंतर्वेदना की सशक्त व्यंजना मिलती है। इनमें रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध कवियों की तरह पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्होंने श्रृंगार का आश्रय लिया, परंतु उसमें वासना एवं मांसलता का अभाव है। उसमें तो प्रेम की मार्मिक पीर एवं अनुभूतियों की गहराई है, भावों की सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति की सशक्तता और प्रेम की आत्मिक अनुभूति का उनकी रचनाओं में सरस चित्रण हुआ है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें घनानंद का स्थान अन्यतम है। घनानंद वस्तुतः प्रेम की पीर के कवि थे तथा उनके काव्य में मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। उनकी रचनाओं के तीन संग्रह घनानंद कवित, सुजान हित और घनानंद ग्रंथावली आदि। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि आलम माने जाते हैं। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं। माधवानल, काम कंदला, श्याम सनेही और आलम केली। आलम के काव्य में सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने श्रृंगार रस का अच्छा परिपाक उपस्थित किया है। बोधा और ठाकुर ने भी अपने काव्यों में प्रेम की निर्मलता, अनन्यता एवं सरलता का चित्रण किया है। इनके प्रेम में सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। भावों की अभिव्यक्ति में इस धारा के कवि अत्यंत सफल रहे हैं। इस प्रकार रीतिकालीन कवियों में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने जहाँ काव्यांग विवेचन को प्रधानता देकर आचरित्व की प्रधानता की, वहाँ रीतिमुक्त कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति से मुक्त रहकर हार्दिक अनुभूतियों एवं अंतर्वेदनाओं का सरस चित्रण किया। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य थे और बाद में कवि, परंतु रीति मुक्त रचनाकार आद्यंत कवि रहे और उन्होंने कवित्व धर्म का अच्छा निर्वाह किया है। धन्यवाद।